आसिफा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी द्वारा रशाना गांव में बैठक आयोजित की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने कहा कि उस आसिफा नाम की मासूम बच्ची के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली करतूत हुई है। वो उस बात को लेकर सरकार से दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, पर जांच की आड़ में निर्दोष लोगों को जानबूझकर परेशान नहीं किया जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार को आखिरकार आसिफा हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर परेशानी क्या है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। हमारी एक लोगों के साथ मुलाकात और उसमें ये देखा गया है कि तमाम गांव के लोगों की एक ही मांग है कि जो आसिफा केस है उसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हर कोई ये चाहता है कि उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसके मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुजरमों के नाम पर आम आदमी को परेशान करना, बेगुनाह को जो है हैरास करना, ये किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आए दिन यहाँ लोगों का ये कहना है कि हरासमेंट एक जो है बेगुनाह लोगों की होती है, इनोसेंट्स की होती है, वो सरासर गलत है और सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए सीबीआई प्रोब करने से। अगर सब लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन होती है, और सबसे बड़ी बात है कि बिला लिहाज जात और मजहब लोगों की ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो हो और सच्चाई जो है वो सामने आए, तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि इसका जल्द से जल्द जो है वो फैसला होना चाहिए और किसी भी किस्म का इंटिमिडेशन या हरासमेंट बेगुनाह लोगों का जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। पैंथर्स पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी और उन लोगों के साथ खड़ा होगी अगर किसी भी किस्म का अत्याचार किसी बेगुनाह के साथ या किसी इनोसेंट के साथ किया गया। और हम इन लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपसी भाईचारा यहाँ कायम रखा है, ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनको। ये कॉम्प्लीमेंट्स के हकदार हैं कि इन्होंने अपना कॉमनल हारमोनी ऐसे माहौल में भी जो है वो बरकरार रखी है और उसको बरकरार हम के रखते हुए सच्चाई की तय तक जो है वो जाना है और वो सिर्फ सीबीआई की जो जांच है उसके द्वारा मुमकिन हो सके।